आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना है तो अभी के भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए स्मार्ट लाइक अप्रोच चैनल को, साथ ही दोस्तों बेल आइकन मींस घंटी भी अभी के भी दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहे नए नए अपडेट्स, वो भी ऑन टाइम। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंपनी अगर आप ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो वहां पे खूब सारी टर्म्स और कंडीशन होती है, और दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी कुछ काफी सारी पॉलिसी टर्म्स कंडीशन यहाँ पे उन लोगों को कह रखा है कि आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों एक केस आया है जिसके अंदर बात कर रहा हूँ आज नॉइस कलर फिट प्रो 2 की। यह दोस्तों जो नॉइस की कंपनी है, वहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, एक कस्टमर ने वहाँ पे जब इस वॉच को ऑर्डर किया, जैसे आप लोग काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं कलर फिट प्रो 2 मंगाने के लिए, तो सेम चीज दोस्तों वो भी काफी इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने दोस्तों एक कलर फिट प्रो 2 ऑर्डर की। और दोस्तों ऑर्डर करने के बाद उन्होंने वहाँ पे उसके अंदर काफी सारे इश्यूज फाइंड आउट किए, या दोस्तों उनको हार्डवेयर साथ ही साथ सॉफ्टवेयर में इश्यू नजर आए। इस केस के अंदर दोस्तों होता क्या है, कोई भी कस्टमर होता है चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हमें यहाँ पे दोस्तों सेटिस्फेक्शन के लिए हम यहाँ पे एक रिटर्न रिक्वेस्ट एंड उनको मेल डालते हैं कि आप प्लीज अपना प्रोडक्ट रिटर्न करके या तो प्रोडक्ट रिप्लेस कर दीजिए या फिर दोस्तों अपना प्रोडक्ट वापस लेके अपने पास रख के हमें रिफंड प्रोवाइड करा दीजिए। तो बेसिकली चीज होती है यहाँ पे दोस्तों, उन्होंने इस नॉइस कलर फिट प्रो को नॉइस की जो noise.com जो भी उसकी ऑनलाइन साइट है वहां से उसको परचेस किया, एंड देन दोस्तों जब उनको पता चला कि इसके अंदर हार्डवेयर इश्यू है, जो बटन है दोस्तों वॉच का वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, शायद दोस्तों उसके अंदर जो स्टेप्स काउंटिंग और हार्ट रेट सेंसर है वो भी इतने एक्यूरेट नहीं डेटा दे रहे, तो ऐसे दोस्तों स्मार्ट वॉच लेने का मतलब ही क्या है जहां पे ना तो आपका हार्डवेयर अच्छा हो ना ही आपका सॉफ्टवेयर अच्छा हो। और स्मार्ट वॉच का एक बेसिक फंक्शन होता है स्टेप्स काउंटिंग को प्रॉपर आपको देना, अगर वो स्मार्ट वॉच वही चीज़ प्रोवाइड ढंग से नहीं करा पा रही है उसको लेने का सेंस है ही क्या। मार्केट के अंदर 99 रुपीज़ के अंदर काफ़ी सारी वॉच मिल जाती है, मैं डायरेक्टली वो परचेज कर लूँगा, टाइम देखने के दोस्तों वो काफ़ी सफिशियंट होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इतने ज़्यादा रुपये पे क्यों कर रहा हूँ, 3000 रुपीज़ अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए दोस्तों सेटिस्फेक्शन की, मुझे यहाँ पे कम से कम एक्यूरेसी अच्छी खासी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस कस्टमर को ना तो एक्यूरेसी अच्छी मिली है ना ही दोस्तों वहाँ पे हार्डवेयर है वो भी फॉल्टी आप इसको मिला है। अब ये चीज़ दोस्तों आपके साथ और मेरे साथ किसी के साथ भी हो सकती है, तो इस केस में आपको करना क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ पे या तो आप उनके कस्टमर केयर से बात कीजिए, शायद दोस्तों आप उनको मेल डाल दीजिए दोस्तों जो भी रिजोल्यूशन होता है वो आपको प्रोवाइड करा सके। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी समझदारी से इन्होंने भी इस कंपनी को जो इनकी साइट है support@anyaccessbase.com जो नॉइस का कॉन्टैक्ट मेल आईडी है, उन्होंने यहाँ पे उनको मेल डाला और मेल में लिखा दोस्तों कि उन्हें यहाँ पे इश्यू आ रहा है इस प्रोडक्ट के साथ। मैं मेल दोस्तों को स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि उनको इश्यू आ रहा है, समटाइम्स द साइड बटन डिड नॉट वर्क और लाइट अप ऑन टाइम। कई बार जो साइड बटन है, जो एक ही बटन है दोस्तों राइट हैंड साइड पे, वो कई बार लाइट अप नहीं होता है, वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है। एक और चीज़ दोस्तों, अनदर थिंग इज दैट आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर स्टेप्स काउंटिंग एंड हार्ट रेट सेंसर एक्यूरेसी, सो काइंडली टेक योर प्रोडक्ट बैक, इट हैज हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर इशू। उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमें आपकी वॉच के अंदर हार्डवेयर या दोस्तों जो बटन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, और सॉफ्टवेयर स्टेप्स काउंटिंग और हार्ट रेट सेंसर दोनों प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, तो प्लीज़ अपनी ये स्मार्ट वॉच वापस लेके जो भी रिजोल्यूशन बनता है आप चाहे रिप्लेस कीजिए चाहे रिफंड कीजिए, बट ये वॉच उनसे वापस ले लीजिए। इस केस में दोस्तों वहाँ पे नॉइस की तरफ से रिप्लाई आया, एक दिन बाद आया है, पर दोस्तों हम रिप्लाई में आया है कि आप काइंडली यहाँ पे काफ़ी सारे जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको वो प्रोवाइड करा दीजिए, उसके बाद आपको वो रिजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों उन्होंने यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जी दोस्तों उनको वहाँ पे उनको मेल किए, जिसके अंदर वहाँ पे उसको स्नैपशॉट आईडी वगैरह ऑर्डर आईडी वगैरह जो भी उन्होंने मांगा था सब कुछ दोस्तों उनको मेल कर दिया, साथ ही उन्होंने अपनी प्रॉब्लम वापस उनको ब्रीफ के अंदर समझाई कि इसके अंदर हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर इशू आ रहा है। इस केस के अंदर दोस्तों वहाँ पे जब उन्होंने वापस से सारे डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, उसके बाद वो वापस एक रिप्लाई आता है कि अभी भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, जो कि दोस्तों मैंने वापस चेक किया वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट वो पहले सेंड कर चुके थे। वहाँ पे दोस्तों कहा गया आप वापस से ये दो डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। सेम केस के अंदर दोस्तों यहाँ पे भी कस्टमर ने बहुत ही पेशेंस के साथ उनको वापस वही चीज़ सेंड की और उन्हें बताया कि जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इशू है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस वॉच को वापस ले लीजिए, और या तो उन्हें कोई दूसरी वॉच या फिर रिफंड जो भी बनता है आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करके जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालिए। हुआ क्या इस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर मेंशन कर चुका था हार्डवेयर इशू है साथ ही सॉफ्टवेयर इशू है, कंपनी ने यहाँ पे दोस्तों कहा कि आप फोन के ब्लूटूथ को टर्न ऑफ करके वापस इसको रीसेट करा के वापस से कनेक्ट करके देखिए, हो सकता है दोस्तों कुछ सॉफ्टवेयर में टेक्निकल इशू आ रखा हो। बट क्वेश्चन नंबर वन दोस्तों, जब कस्टमर ने यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया कि उसको यहाँ पे हार्डवेयर में इशू आ रहा है, तो कंपनी यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर ही क्यों रही है, जो भी यहाँ पे मेल का जो रिप्लाई कर रहा है क्या उसको सेम चीज़ दिखाई नहीं दी है। हर मेल के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया कि उसके अंदर हार्डवेयर इशू आ रहा है, हार्डवेयर इशू आ रहा है, और दोस्तों उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर,
अगर आपका हार्डवेयर फॉल्टी है तो यहाँ पे दोस्तों डेफिनेटली डिफेक्टिव पीस है और आपको डायरेक्टली इसको ले लेना चाहिए था। यहाँ पे दोस्तों उन्होंने वापस कुछ भी नहीं किया, हर बार एक रिप्लाई कर देते हैं वॉच को रीसेट कर लीजिए, ये कुछ हम आपको स्टेप्स दे रहे हैं, आप इनको वापस से सेट करके रीसेट कर फिर हमें बताइए कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। कस्टमर दोस्तों वापस से पेशेंस के साथ कहा कि यस वो सारे स्टेप्स वापस फॉलो कर चुका है, बट स्टिल दोस्तों वो सेम चीज़ प्रॉब्लम कर रहा है। एक और चीज़ दोस्तों उसने यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन किया है कि ये सब करने का फ़ायदा ही क्या है जब उसको हार्डवेयर में इशू आ रहा है, अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर में इशू आता तो भी दोस्तों ये सब चीज़ें मान लेता, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं उसे लगा है कि वो इस जो उनका डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको रिटर्न करने के अंदर यहाँ पे इतने इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल चीज़ है। और आई थिंक दोस्तों कस्टमर के साथ ये किया जाना, आई थिंक नॉइस अब इतनी छोटी कंपनी में नहीं रही है, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है बहुत ही गलत चीज़ की जा रही है। और साफ साफ दोस्तों कस्टमर ने लिखा है आर यू गाइज गोइंग टू टेक योर डिफेक्टिव प्रोडक्ट बैक और नॉट, इफ यस देन व्हेन, इफ नो देन गिव मी प्रॉपर रीजन। साफ साफ लिखा गया कि मैंने आपको बताया कि इसमें हार्डवेयर इशू है साथ में सॉफ्टवेयर इशू भी है, इन केस अगर हार्डवेयर इशू तो आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो क्यों आप इसको रिटर्न नहीं कर रहे, आप बस मेरे को यस और नो में आंसर बता दीजिए। अगर आप वापस लेने में इंटरेस्ट हैं तो आप कब लेंगे, अगर आप वापस नहीं लेने वाले तो मुझे एक प्रॉपर रीजन दे दीजिए कि इस रीजन के कारण मैं ये वॉच वापस नहीं ले पा रहा हूँ। कस्टमर दोस्तों बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को हैंडल किया है। इस केस में दोस्तों वापस रिप्लाई आया है कि द नॉइस फिट सपोर्ट ऐप इज करंटली अंडर अपग्रेड, जो जब तक अपडेट हो रही है आप यहाँ पे वेरी फिट प्रो ऐप करके उससे पेयर करके और अपनी कलर फिट प्रो 2 को यूज कर सकते हैं, इस केस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो आप हमें वापस बताइए। तो एक चीज़ दोस्तों बहुत ही क्लियर है कि नॉइस यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है कि वो ये जो प्रोडक्ट है वापस ले सके। कस्टमर की दोस्तों बिल्कुल सुनी नहीं जा रही, कस्टमर ने साफ साफ आपने यहाँ पे मेल सारे पढ़े हैं आपके सामने मैंने आपको दिखाए हैं, साफ साफ मेंशन किया है कि उसको हार्डवेयर में इशू आ रहा है सॉफ्टवेयर में भी इशू आ रहा है। इस केस के अंदर दोस्तों पहली चीज़ दोस्तों अगर हार्डवेयर में इशू तो हैंड टू हैंड ये चीज़ रिप्लेस होनी चाहिए थी या फिर रिफंड हो जानी चाहिए थी, रिटर्न होके कुछ भी यहाँ पे चीज़ नहीं की गई। सेकेंड दोस्तों स्टेप्स काउंटिंग और हर्ट रेट सेंसर का कुछ भी आपके फ़ोन की एप्लीकेशन कोई रोल नहीं होता है, आपको बस एक्टिवेट करना होता है उसके बाद स्टेप्स काउंटिंग भी आपकी वॉच करती है, हार्ट रेट सेंसर भी दोस्तों आपका वॉच ही यहाँ पे कैलकुलेट करती है। तो ये तीनों चीज़ें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जहाँ पे जो मेंशन की गई है प्रॉब्लम के अंदर दोस्तों जो रोल था वो सिर्फ स्मार्ट वॉच का था, कलर फिट प्रो 2 की स्मार्ट वॉच का था, कुछ भी दोस्तों एप्लीकेशन का कुछ लेना था ही नहीं। और कोई भी समझदार इंसान ये क्लियरली जानता है कि जो नॉइस है यहाँ पे बहुत ही इग्नोरेंस के साथ या फिर मैं कहूँ तो जो आफ्टर सेल सर्विस होती है वो बहुत ही पुअर तरीके से यूज़ कर रहा है, कस्टमर की सुनी नहीं जा रही है। उन्होंने अपना एक बार प्रोडक्ट आपको सेल आउट कर दिया मीन्स कर दिया, उसके बाद दोस्तों कोई गारंटी नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलता है फॉल्टी निकलता है तो वो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। इस केस के अंदर मैं दो चीज़ रिकमेंड करूँगा, एक तो उस कस्टमर से कहूँगा कि प्लीज़ जल्दी जल्दी हो सके आप कंज्यूमर कोर्ट जाके आप इन पे एक लीगल एक्शन ले सकते हैं कुछ केस वेस करके एविडेंस इन सभी मेल्स को, ये दोस्तों जो हमने कन्वर्सेशन आपको दिखाई है उन सभी मेल्स को हमें कोर्ट के अंदर दिखा सकते हैं और उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट यहाँ पे आपकी मदद कर सके। सेकेंड दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दोस्तों जितने भी यहाँ पे बाकी यूजर्स हैं जितने भी जो इंटरेस्टेड लोग हैं इस कंपनी के स्मार्ट वॉच परचेज करने के लिए वो एक बार सतर्क हो जाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही गलत चीज़ की जा रही है आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे छोटे मोटे अमाउंट पे नहीं करें, 3,000 रुपये बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है और दोस्तों एक बार आपने पे कर दिए उसके बाद कोई भी आपकी वारंटी वगैरह का तो नॉइस यहाँ पे आपके लिए कुछ करने वाला है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे जीरो मुझे तो पर्सनली लगी है। और आई थिंक दोस्तों मैं एक बार फिर, क्योंकि दोस्तों मुझे स्टार्टिंग से ही इस नॉइस कलर फिट प्रो 2 के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला नजर आ रहा था, मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये जो नॉइस कलर फिट प्रो 2 है ये एक्चुअल में इसका खुद का डिजाइन नहीं है, कहीं ना कहीं ओ से उठाओ 2 के सब कुछ कॉपी करके यहाँ पे मार्केट में सेल आउट किया जा रहा है। आई थिंक दोस्तों कहीं पे भी नॉइस यहाँ पे सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, बात करता हूँ कस्टमर मीन्स आपकी और मेरी, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ख्याल बिल्कुल रखा नहीं जा रहा है, आप लोगों को कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना के सिर्फ यहाँ पे बिजनेस के प्रॉफिट के चक्कर में कमाई की जा रही है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और मैंने एक छोटा सा एफर्ट किया है इन कस्टमर की हेल्प करने का साथ साथ दोस्तों आपकी भी हेल्प करने का, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस चीज़ को छोटा मत समझिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नॉइस को पता चल सके एक्चुअल के अंदर जो आज का जो कस्टमर है वो बहुत ही जागरूक है और ये सब चीज़ें जो कर रहा है बहुत ही गलत है और उसको कहीं ना कहीं सबक मिल सके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा,
इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको अगले वीडियो में, तब तक हमेशा विमेन की रिस्पेक्ट कीजिए। सेव ना डाटा, बाय बाय, टेक केयर।